बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताजपोशी एक बार फिर से टल गई है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार का कमान दिया जाना था। नीतीश कुमार बिहार यात्रा के बाद दिल्ली प्रवास पर जाने वाले थे और देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के एक मास्टर स्ट्रोक ने तेजस्वी की ताजपोशी पर रोक लगा दी और तेजस्वी की ताजपोशी टल गई है। कुशवाहा के फैसलों के बाद ये चर्चा आम हो गई है। दरअसल ताजपोशी कैसे टली है और क्यों उपेंद्र कुशवाहा इसमें विघ्न डाल रहे हैं, पूरा विस्तार से समझिए। उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बिहार में जो घटनाएं चल रही हैं, इन घटना में एक चीज तो ये तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार को लीड करेंगे। नीतीश कुमार ही ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों की रणनीति और राजनीति कैसे होगी। नीतीश कुमार महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, नीतीश कुमार महागठबंधन के बड़े नेता हैं और नीतीश के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक जिक्र किया कि बिहार में आने वाले समय में जो चर्चा है, राजद जदयू का विलय वो नहीं होगा। तो जब तक राजद और जदयू का विलय नहीं होगा, तब तक तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर 2025 तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता दल यूनाइटेड की राय और उनकी राय एक है। वो पहले भी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं, पहले भी इस बात पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक कभी नहीं हो सकते हैं। कुशवाहा की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सुधाकर सिंह के बयान के बाद राजद के प्रवक्ता ने समर्थन कर दिया और यह समर्थन सुधाकर सिंह का था। जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं के बयान से नीतीश कुमार के खेमे में हलचल है और नीतीश कुमार के खेमे में इस कदर नाराजगी है कि आने वाले दिनों की रणनीति राजनीति पर चर्चा होना तय माना जा रहा है। अब ऐसे में देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम फैसला क्या होता है। हालांकि नीतीश कुमार ने तो पहले ही कहा है कि समय के साथ सब कुछ तय होगा और महागठबंधन के सभी दलों को एकजुट रहना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। अगर भाजपा को रोकना है तो महागठबंधन के तमाम दलों को एक साथ रहना होगा। ऐसे में तेजस्वी की ताजपोशी एक बार फिर से टल गई है और बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हो गया है कि कुशवाहा अब एक बार फिर से उन्हीं जगह पर, उन्हीं स्थान पर बैठेंगे जहां वो और जिसके वो हकदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी आज स्पष्ट रूप से झलक रही थी, लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने 14 तारीख तक का समय दे दिया है। कुशवाहा का अल्टीमेटम है और तेजस्वी की ताजपोशी टल गई है। ऐसे में इंतजार करना होगा 14 तारीख को क्या कुछ बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाएं होती है, कैसे 14 तारीख बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।